इतनी सुरीले गाने के बाद आज आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बेसुरी है माफ़ी के साथ शुरू करूँगी मौसम है और मौसम का प्रभाव है अपनी लापरवाही उसका एक कारण हो सकती है सतर्कता सावधानी के साथ रहते हैं तो इन दुष्प्रभावों से हम बच जाते हैं और यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत पुरजोर से माँ कहती हैं श्री अरविंद का जो योग है उनके योग पथ के बहुत सारे नाम दिए गए हैं और हर नाम के साथ हम कहते हैं ना नामों का अपना एक महत्व होता है बड़े मुहूर्त के साथ कुंडली बनती है बच्चे के जन्म के साथ पंडित बुलाए जाते हैं फिर बच्चे का नामकरण होता है और किस अक्षर से होना चाहिए फिर नाम चुने जाते हैं उसमें भी तो कितनी बातें चलती हैं माँ बाप को कौन सा नाम पसंद है उनमें एक, एक लिस्ट बन जाती है और फिर पंडित कहता है नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा इसका नाम तो क से होगा इसका नाम तो अ से होगा जैसे मेरे घर में सबका नाम अ से ही पड़ गया स्कूल में बड़ी मुश्किल होती थी हमेशा पहला रोल नंबर हो जाता था और कुछ ऐसा रहा कि मेरा तो दोनों तरफ का परिवार सारे ए के सिंह और ए के रॉय वाले थे मैं सोचती थी इसका भी कुछ न कुछ एक होगा संबंध मेरे जीवन से और सच में ऐसा हुआ तो ये सतर्कता सावधानी जो है और श्री अरविंद के योग पथ का नाम जो है उसको जब मैं कई बार सोचती हूँ मैंने काफ़ी पहले हो गया करीब बारह तेरह साल हो गए जब मैं पीएचडी कर रही थी और श्री माँ की नारी के प्रति अवधारणा विषय लिया था जाहिर था पृष्ठभूमि में श्री अरविंद के योग के बारे में बताना था तो मैंने हर नाम के संबंध में कुछ कुछ लिखा था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हमको मिलता है श्री अरविंद का पूर्ण योग इसके ऊपर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता न जो पूर्ण है परफेक्ट perfect है परफेक्शन की ओर ले जाने वाला है फिर समग्र सर्वांगीण इंटीग्रल और तीसरा ये जो आज हमने विषय ले लिया है श्री माँ का रूपांतरण योग जब मैं थोड़ा सा इस पर विचार करती हूँ तो मुझे लगता है ओ रूपांतरण शायद वो प्रक्रिया है वो प्रोसेस है जिससे हम पूर्ण योग पर जा सकते हैं और इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि श्री माँ का रूपांतरण योग क्योंकि श्री अरविंद का कथन कहीं गूंजता है तुम लोग योग थोड़ी करोगे श्री माँ करेंगी तुम्हारे लिए और सच में हमारे लिए जो होता है श्री माँ ही करती हैं मुझे तो अपने जीवन से यही लगता है आज से करीब तीस पैंतीस साल पुराना अपना रूप याद आता है कि समाधि इधर तो अपर्णा विपरीत दिशा में पूरी तरह से श्री माँ चुन लेती हैं हमें फिर प्यार से मार से डांट से जैसे भी वो ले आती हैं अपनी गोद में कभी कभी हम उसे भी पसंद नहीं करते कौन है हमारे अंदर जो उसे पसंद नहीं करता हमारा ही तो कोई रूप होगा हमारे अंदर ही वो रूप भी है जो इन चीज़ों की तरफ हमें खींचना चाहता है और हमारे अंदर वो रूप भी हैं जो हमें इधर नहीं बढ़ने देना चाहता हमारे ही अंदर भगवान है हमारे ही अंदर शैतान भी है हम किसको बल देते हैं हम किसकी शरण में जाते हैं या किसके चंगुल में फंस जाते हैं ये पूरी तरह से हमारे ऊपर है जाने में अनजाने में कभी कभी बहुत सतर्कता से हम उसके चंगुल में जाने से बच जाते हैं और श्री श्री अरविंद का जो मार्गदर्शन है वो हमें यही सहायता करता है ऐसे मार्गदर्शकों की जरूरत हमें इसीलिए होती है हमें पूरी तरह से अपने अंदर छिपे इन सारे तत्वों के प्रति जागरूक होना चाहिए मनुष्य में एक प्रवृत्ति है वो अपने प्रति लापरवाह होता है सारी तरफ नजर जाती है अपने अंदर नहीं जाती कस्तूरी कुंडली बसे दौड़ता रहता है ये कस्तूरी की गंध कहाँ से आ रही है जंगल जंगल भागता है उसको पता ही नहीं कि उसी की नाभि में है ऐसे ही मनुष्य है तो मित्र थे एक बार दोनों यात्रा कर रहे थे एक बड़ा ही उच्च विचारों वाला था दूसरा थोड़ा सा स्वार्थी था अपने बारे में सोचता था दोनों ने सारी तैयारी कर ली यात्रा में चलने लगे तो थोड़ा कम दुर्बल प्रवृत्ति का था जो जिसके अंदर बहुत ईमानदारी नहीं थी वो सोच रहा था इतनी लंबी यात्रा है मेरा मित्र तो बड़ा अमीर है उसके पास तो बहुत पैसा होगा मैं तो थोड़े से पैसे किला रहा हूँ उसने कहाँ रखे हैं अगर उसके पैसों में से थोड़ा समय ले लूँ तो हम बराबरी से खर्चा कर सकेंगे नहीं तो हो सकता है कभी ऐसा हो मुझे नीचा दिखना पड़े और इसी तरह के विचारों में उसकी नज़र हमेशा अपने मित्र के थैले पर रहती थी जब वो इधर उधर कहीं जाता था तो ये उसके थैले को खंगालता था लेकिन उसमें कहीं मिलता ही नहीं था वो सोचता था कहाँ रखा होगा उसने अपना पैसा कपड़े तो उसने मेरी तरह साधारण से पहने हैं, उसकी जेब में तो कुछ रहता नहीं जब भी खर्चा करता इसी थैले से निकालता है बहुत परेशान रहा खैर यात्रा सम्पन्न हो गई एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि एक बात बताओ मैं तुम्हारे सामने कन्फ्यूज़ करता हूँ स्वीकारता हूँ कि मेरे अंदर थोड़ी सी नीयत खराब हो गई थी पर तुम कैसे रखते हो अपनी संपत्ति मैंने बहुत खोजा तो उसका मित्र मुस्कुराया उसने कहा तुम्हारे थैले में रख के चला जाता था जब भी कहीं जाता था तो अपनी संपत्ति पूरी तुम्हारे बैग में डाल के चला जाता था तुम तो मेरा बैग टटोलते थे माँ भी सुनाती हैं ये कहानी कि एक बार देवताओं में थोड़ी मंत्रणा हुई माने ऐसी रिटोल स्टोरीज बहुत सारी की हैं जो हमें हर जगह सिखाती हैं देवताओं ने सोचा कि मनुष्य के पास जब वो चाहे उसकी मन चाही खुशी मिल जाए वो शक्ति होनी चाहिए पर कहाँ छुपा के रखी जाए ताकि उसका दुरुपयोग ना हो सब ने कहा कि अपने ही पास रखते हैं हम मनुष्य तपस्या करेगा प्रार्थना करेगा अगर योग्य होगा तो हम उसको दे देंगे उसने कहा पर हर व्यक्ति में तो नहीं होती मनुष्य को खुशी मिलनी चाहिए वो एक बहुत सुंदर उत्कृष्ट रचना है ईश्वर की फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते समुद्र की गहराई में कहीं छुपा देते हैं जो मेहनत करेगा खंगालेगा उसको मिलेगा तो नहीं वो भी नहीं हर कोई कहाँ समुद्र तक जाएगा हर मनुष्य के पास तो समुद्र भी नहीं होता बहुत देर के बाद एक बुज़ुर्ग अवस्था में बड़े अनुभवी देवता नाम नहीं बता पा रही हूँ उन्होंने कहा ऐसा करते हैं मनुष्य के अंदर ही छुपा देते हैं जब तक वो अपने अंदर नहीं जाएगा जहाँ उसका संपर्क हमसे होता है तब तक उसे नहीं मिलेगा और खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई चाहता है और फिर यही तय हुआ कि वो गुप्त शक्ति वो मनुष्य के अंदर उसकी अतल गहराई में डाल दी गई हम सबके अंदर वो मंत्र है हम सबके अंदर वो शक्ति है वहाँ तक जाना है ताकि हम अपने अंदर उस खुशी को पा सकें उस असीम खुशी को उस अनंत खुशी को पा सकें वो क्षणिक खुशी नहीं अभी किसी से मिल लिए खुश हो गए बाजार चले गए खुश हो गए कोई बढ़िया सी कहानी पढ़ ली खुश हो गए उस कहानी को पढ़ के उसका जो सार था उसके उसको अपने अंदर घुसा लिया तब हम खुश हो सकते हैं कौन है जो हमें खुश नहीं रहने देता ये सारे वही विरोधी तत्व हैं जो हमें खुश नहीं रहने देते क्योंकि ये अनंत खुशी कब मिलती है जब हम उनसे जुड़ते हैं वो खत्म नहीं होती और हमें खुश होने का मतलब उनसे मिल जाना ये विरोधी शक्तियां कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं दोनों हमारे अंदर रास्ते खोजती हैं उस कहानी के साथ की जो सृष्टि बनी और कैसे सत असत बना प्रेम दुख बना अंधकार और प्रकाश हो गए वो हम नहीं ले रहे हैं अभी लेकिन हमारे अंदर बीज तत्व वहीं से आ गया श्री अरविंद ने पूर्ण योग ला दिया सामने अब उसको पाए कैसे पूर्णत्व मिले कैसे उसके लिए श्री माँ के ऊपर सारा दायित्व डाल दिया गया और श्री माँ ने रूपांतरण योग पथ पर चलकर हमको दिखाया किस तरह से रूपांतरित करने का प्रयास किया जा सकता है इसका जीवंत उदाहरण है श्री मां का जीवन जब वो हमारी जानकारी में आती है कि जब वो भारत आई और श्री अरविंद तक पहुंची वहां तक ही उन्होंने अपने मन प्राण को बहुत नियंत्रित कर लिया था उसको रूपांतरित कर चुकी थीं और इसीलिए श्री अरविंद ने उन्हें संबोधन दिया माँ लेकिन शरीर अभी भी बचा था हालांकि मैं उस पर विशेष विस्तार नहीं दूंगी हम केवल चीज़ों को छू भर लें इतना ही काफ़ी होता है इस इस चालीस मिनट में लेकिन अगर कुछ जगहों पे मिलेंगे आपको अग्निशिखा में ऐसे वर्णन मिल जाते हैं जो निकाल निकाल के डाले जाते हैं इधर उधर से कुछ हैं जो सत्प्रेम के साथ श्री की जो बातचीत है उसमें उन्होंने अपने शारीरिक रूपांतरण का काफी जगह पे अनुभव बताया है उसको समझना संभव नहीं है मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि श्री खुद कई जगह लिखती हैं मैं इसे तुम्हें कैसे समझाऊँ इसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता तुम इसे मानसिक स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हो ये बिल्कुल संभव नहीं है इसके लिए तुम्हें उस चेतना में उतरना होगा जहाँ से तुम समझ सकोगे आम की मिठास को समझने के लिए आम को खाना पड़ता है गुड़ भी मीठा है रसगुल्ला भी मीठा है और आम भी मीठा है अंतर हम कैसे बताएंगे शब्दों की अपनी सीमा है और फिर शब्दों के अर्थ इतने निकलते हैं हमारी ग्रहणशीलता की सीमा हो जाती है बहुत चीज़ें हैं खैर इन सबको छोड़ के हम खाली रूपांतरण पर आते हैं रूपांतरण योग जो है उसके लिए माने चल के हमें बताया है इस पथ पर कि अपने मन को अपने प्राण को अपने शरीर को अपनी भावनाओं को अपने विचारों को अपनी शारीरिक क्षमताओं को रूपांतरित करना होगा रूप का अंतर करना होगा उसको सामान्य भौतिक स्वरूप से भौतिक सतह से भौतिक तल से दिव्यता तक ले जाना होगा मन को दिव्य मन बनाना होगा शरीर को दिव्य मन बन शरीर बनाना होगा और प्राण को भी दिव्यता से भर देना होगा तो प्राण की उस गहराई में जाना होगा अपने अंतर की उस गहराई में जाना होगा जहाँ वो दिव्यता जो देवताओं ने छुपा दी है उसको हम पा जाए तो उसके लिए तो अंदर घुसना होगा <coughs> शरीर से शुरू करते हैं माँ कहती हैं स्वस्थ शरीर बहुत ज़रूरी शारीरिक शिक्षा इज़ मस्ट जो फिज़िकल एजुकेशन इज मस्ट उनका वाक्य है शरीर की शिक्षा बाहरी रूप से बहुत आसान है इसको समझना कि समय पर भोजन करना सही भोजन करना सही मात्रा में भोजन करना और शरीर को स्वस्थ रखना लेकिन एक और चीज़ आती है खाली भोजन नहीं है जो शरीर को स्वस्थ रखता है हमारी कोशिकाओं में कैसी भावनाएं आ रही हैं कैसे विचार उसे स्पर्श कर रहे हैं कैसा पर्यावरण हमारे आसपास है कैसे लोगों से हम मिल रहे हैं हर चीज़ का फर्क पड़ता है हमारा शरीर भी उतना ही सचेतन हो सकता है हम सोचते हैं लेकिन क्योंकि क्या करें बचपन से सुनते आए या तो जड़ है इसको तो एक दिन जल जाना है ये तो कागज की पुड़िया है कबीर जैसे विद्वान भी कह गए बूंद गिरे गल जाना है आग लगे जल जाना है नहीं माँ और श्री अरविंद इस शरीर को भी रूपांतरित करने की बात करते हैं और उन्होंने अपने शरीर को कर कर के बताया है कई बार वो कहती हैं कि मेरे शरीर में मुझे कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं और ऐसा हम मानते हैं ऐसा कहा जा गया है और श्री माँ की तरफ से कोई भी संकेत होता है तो मेरे अंदर तो कोई संदेह नहीं आता तर्कों की कसौटी पे ना कसें लेकिन उन्होंने उस रूपांतरित शरीर का उस अति मानसिक शरीर का निर्माण करके अपने इस साधारण भौतिक शरीर का त्याग किया और आज भी वो उस शरीर में हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं लेकिन इस हम कैसे करें हमें तो नहीं पता हमारा तो शरीर ठंड महसूस करता है बारिश में कीचड़ देख के हमें वितरषणा होती है गर्मी से पसीना हमें परेशान करता है कहते हैं एक सेठ था वो अपने बेटे के लिए बहुत बुद्धिमती वधू खोज रहा था उसने कहा मेरा बेटा बहुत अच्छा है उसके लायक मुझे बहु चाहिए तो बहुत लड़कियां देखी जाती थी और वो एक ही प्रश्न करता था तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है कोई कहती गर्मियाँ अच्छी होती हैं पहाड़ों में चले जाओ ठंडी ठंडी हवा में बड़े आनंद से जीवन बीतता है दूसरी ने कहा मुझे सर्दियाँ पसंद हैं गर्मियों के वो पसीना हर कोई तो नहीं जा सकता ना सर्दियों में क्या है चारों तरफ फूल खिले होते हैं हरियाली होती है थोड़ा सा अपने पास बस पैसा होना चाहिए और उसके बिना तो वैसे भी जीवन नहीं चलेगा मैं तो ऐसे व्यक्ति से शादी कर ही नहीं सकती जिसके पास संपत्ति ना हो पैसा ना हो सेठ ने उसे भी छोड़ दिया तीसरी को वर्षा पसंद थी वर्षा का मौसम कितना लुभावना होता है उसको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकी उसने कहा वो भी नहीं अब उसने कहा अब लड़कियाँ क्या देखूँ लड़के के भाग्य पे छोड़ देता हूँ वही कोई खोज लाएगा बहुत दिनों के बाद किसी समारोह में ये लोग जा रहे थे वहाँ पे एक लड़की से मुलाकात हुई और पता नहीं क्या हुआ कि उसके सामने भी ये प्रश्न उसने ही दिया उस लड़की ने कहा मौसम सीधी सी बात है देखो जब अपना तन और मन स्वस्थ रहे ना तो हर मौसम अच्छा लगता है सेठ को और उसके बेटे को ये बात छू गई तन भी स्वस्थ हो मन भी स्वस्थ हो तभी कुछ भी अच्छा लगता है एक को भी बीमार करके देख लीजिए और मातो प्राण की भी बात कर देती हैं हमारे इन तीनों यंत्रों में से ये जो पूरी मशीनरी हमको दी गई है उसका एक भी पार्ट खराब होता है बाकी सारे ठीक हैं लेकिन एक स्क्रू ढीला है बस मशीन लड़खड़ाने लगती है तो तन का स्वस्थ होना मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है एक सेठ थे अपने अवस्था में बड़े महत्वाकांक्षी थे खूब पैसा कमाया कमाते गए कोठियाँ हो गई बंगले हो गए नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ हो गया बाग बगीचे और वो उसमें डूबे रहते थे बड़े खुश अब उनको ठाट ही ठाट था उनके पास एक मित्र आया आके उसने कहा कि वाह तुम बहुत संपत्ति तुम्हारी हो गई है तुम्हारी तरक्की देख के बड़ा अच्छा लगता है अभी मैं भी एक सेठ से मिलकर आ रहा हूँ पता है? वो भी ऐसे ही था उसके बच्चे भी बड़े खुश कितने ठाट से रहते वो लोग तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो अभी दुखद बात यह है कि अभी परसों उस सेठ की मृत्यु हो गई और उसकी सारी संपत्ति उसके बेटे तो एकदम नालायक निकले मुझे नहीं लगता वो संभाल पाएंगे खैर तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा कह के वो दोन आप तो चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए एक आशंका एक भय मृत्यु का भय अब यह जो सेठ था वो मन ही मन बड़ा परेशान होने लगा उसने सोचा अब मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं मैं भी तो मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा और चिंता ही चिंता में वो गलते चले गए कुछ दिनों बाद उसके नगर में एक सेठ आता है और उन सब ने कहा कि उनके पास जाइए वो जरूर कोई इलाज बता सॉरी मैं सेठ बोल गई एक संत आते हैं सेठों की भी महिमा अलग ही होती है संत के पास ये पहुँचे और बड़े दुखी होकर बोले कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है मैं दिन रात चिंता में रहता हूँ ना तो मुझे नींद आती है ना मुझे चैन आता है उन्होंने थोड़ा इधर उधर की बात की और कहा कि एक काम करो तुम्हारा इलाज बहुत आसान है आज से जाके पहले तुम्हारी नींद का इलाज करता हूँ तो कहा ठीक है एक हफ़्ते बाद आना और आज से जाके अपने काम खुद करना बस ये सोच लेना कि मेरी आज्ञा है और तुम अपना काम किसी से नहीं कराओगे व्यक्तिगत कामों से लेकर अपने आसपास की जितनी ज़रूरतें हैं तुम खुद पूरी करना उन्होंने कहा रे पर कैसे मैं क्या करूँगा कि क्यों तुम सवेरे उठ के चाय पीते हो कहा हाँ कैसे पीते हो हाँ मेरा नौकर दे जाता नहीं तुम खुद बनाना खुद लेकर आना वो समझ गए एक हफ़्ते की तो बात है उन्होंने एक हफ़्ते तक सारा काम खुद किया अभी तक वो कुछ नहीं करते थे आराम से बैठे रहते थे तो उनका शरीर एकदम जड़ हो गया था जब काम करने लगे हाथ पाँव हिलने लगे मेरे सामने योगा टीचर बैठी हुई है कह रही होगी कि आप खुद क्यों नहीं करती हैं सचमुच ये कैसा शरीर का एक तमस होता है एक हफ्ते में उनको लगा रहे मेरे हाथ पांव तो अच्छे खासे चलते हैं इनमें तो कोई तकलीफ नहीं है और उन्होंने जो मेहनत की तो एक दो दिन बाद ही उनको इतनी बढ़िया नींद आने लगी नींद का तो इलाज हो गया एक हफ्ते बाद मिले बड़े खुश कि सचमुच मुझे तो बहुत अच्छी नींद आने लगी इतना सरल सा उपाय था और लोग कहते थे इस डॉक्टर को दिखाओ उस डॉक्टर को दिखाओ संत मुस्करा दिए उनका चलो अब तुम्हारी दूसरी समस्या कहते हाँ मुझे बहुत डर लगता है मैं मर जाऊँगा तो मेरी सारी संपत्ति का क्या होगा उनका अब एक वाक्य मेरा और ले जाओ ये मेरा सूत्र है तुम्हारे लिए फॉर्मूला है अपने मन को समझा दो कि जिस दिन मौत आएगी उसके पहले मैं हरगिज़ नहीं मरूंगा हर दिन मरते हैं हम कौन है जो हमको ऐसा करने पे बाध्य करता है वो है भय अपने भय को हमें रूपांतरित करना होगा यहीं से कदम उठाते हैं क्योंकि पहली चीज यही आती है जीवन में आशंका और भय हम भय नहीं करेंगे किस लिए भय करते हैं <coughs> किस चीज का भय करते हैं हमारा क्या होगा फिर हमारा से हमारी हो जाता है हमारी संपत्ति हमारे बच्चे हमारे लोग हमारे मित्र सबकी चिंता हम करने लगते हैं पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं अब इससे मुक्त कैसे हो इस भय के लिए पहले परिक्ष, राजा परीक्षित की कहानी हम सुन चुके हैं जो हमेशा भय करते थे कि मृत्यु हो जाएगी उन्हें अपने मृत्यु का बड़ा भय था उनको एक संत ने ऐसे ही समझा दिया था कुछ कि एक राजा की कहानी एक राजा है पता है वो बहुत ही सड़ांध में रहता है बदबू में रहता है तो कहा मतलब उसने कहा वो एक बार शिकार कर रहा था शायद मैं कहानी सुना चुकी हूँ आगे बढ़ जाती हूँ कितने लोग जानते हैं राजा परीक्षित की कहानी कोई नहीं भैया तो जानते ही हैं भैया को तो सुना ही है मैंने खैर राजा परीक्षित को वो एक कहानी सुनाते हैं संत कि एक राजा था वो जंगल में गया था शिकार करने और देर हो गई अंधेरा हो गया उसे थोड़ा सा भय हुआ उसने सोचा कि रात हो गई है यहाँ नरबखशी जानवर होंगे रात कहाँ काटूँ वापस तो नहीं निकल सकता इस जंगल से तो इधर उधर भटकते भटकते उन्होंने देखा एक जगह रोशनी है उस रोशनी की तरफ गए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी दरवाज़ा खटखटाया अंदर से एक अजीब सा आदमी निकला वो एक बहेलिया था शिकारी था और जानवरों को मारता था खाता था लेकिन उसका जीवन तमस से भरा हुआ था वो एक बिस्तर था उस पर सोया रहता था अगल बगल मरे हुए जानवरों के सिर रखे हुए थे मांस रखा हुआ था उन्हें खाता था वहीं वो शौच करता था वहीं तो सड़ांत और बदबू से भरा हुआ बड़ा ही विभत्स दृश्य था उस घर का पर राजा को तो अपनी जान की चिंता थी वो वहाँ गया उसने कहा क्या मैं रात गुजार लूँ उस भैया ने कहा नहीं 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 मेरे पास कोई जगह नहीं ऐसे बहुत राह चलते लोग आते हैं और फिर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते राजा ने मनविन कहा यहाँ कौन रहना चाहेगा तो जान पे बनी है कहा कि नहीं रात गुजर जाने दो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है उसने कहा अच्छा प्रॉमिस करो सुबह उठते ही चले जाओगे पर यहाँ तुमको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं मैं खुद बड़ा गरीब हूँ उसने कहा नहीं बस तुम मुझे सिर छुपाने की जगह दे दो अंदर गया अंदर का जाके कर कहाँ बैठे खोजते खोजते दरवाजे के पास का एक कोना जो थोड़ा खाली था बैठ गया नाक बंद कर ली आंखें बंद कर ली कि गंदगी ना दिखे लेकिन थकान हो जाती है धीरे धीरे शरीर आलस्य से भरने लगा निद्रा ने आघेरा और उसको नींद आ गई जब मृत्यु का भय हट गया सुरक्षित जगह मिल गई तो उसको वही अच्छी लगने लगी धीरे धीरे वो उसमें रमने लगा नींद सुखद लगने लगी नींद में सपने देखने लगा फिर सवेरे उठा तो उसने सोचा कि इतनी अच्छी नींद तो मैं कभी नहीं सोया था राजमहल में भी नहीं उसने कहा मैं एक दिन और रुक जाऊँ तुम्हारे यहाँ पहलिया गुस्सा हो गया उसका मैं कह रहा था ऐसा ही होता है लोग यहाँ आते हैं कहानी सुन रहे राजा परीक्षित ने एकदम से कहा महाराज लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा कौन होगा जो वहाँ रहना चाहेगा जैसा आपने वर्णन किया इतनी गंदगी इतना विभत्स इतनी बदबू ने कहा राजा परीक्षित तुम भी तो यही कर रहे हो तुम भी तो ऐसे ही होने कहा मतलब अरे तुम वही तो हो जिस कमरे का मैंने वर्णन किया तुम्हारा ये शरीर क्या है जिसको छोड़ने के भय से तुम हमेशा डरते रहते हो मृत्यु हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी उम्र हो गई है शरीर तुम्हारा बदलने का समय आ गया है लेकिन तुम हो कि उसी में बंधे रहते हो राजा परीक्षित के चक्षु खुल गए ज्ञान के आंखें खुल जाती हैं ऐसे में तो भय जो होता है वो चाहे किसी चीज़ का हो कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानता का ही प्रतीक है माँ कहती हैं उस भय को आस्था में विश्वास में साहस के द्वारा रूपांतरित कर देना अनासक्ति के साथ तो भय को दूर करने के लिए इतनी चीज़ें आ गई पहले तो अनासक्ति होनी चाहिए साहस होना चाहिए साहस क्या है माँ की अगर परिभाषा बताऊँ तो अपनी सभी दुर्बलताओं का सामना करना और उन्हें जीत लेना यानी रूपांतरित कर देना सच्चा साहस है हम सोचते हैं किसी ने एक मुक्का मारा तो हम उसको चार मुक्के जड़ दें हम बड़े साहसी हैं एकांगी नहीं क्योंकि माँ और श्री अरविंद हर जगह पूर्णता की बात करते हैं इंटीग्रली हाथ से आपने मार दिया तो शारीरिक क्षमता दिखा दे किसी की गर्जना से आप नहीं डरे तो मानसिक क्षमता दिखा ली। लेकिन उसकी उस गर्जना को उसकी दुर्भावना को सुंदर भाव में बदल दिया तब जाके प्राणिक रूपांतरण आता है प्राणिक साहस आता है प्राण में प्रतिशोध ले आए तो आपने कोई साहस नहीं दिखाया उसी की बुराई को उसी की दुर्बलता को आपने अपने अंदर और बढ़ा के दिखाया तुमने एक मारा मैं चार मारूंगा आपने कोई तरक्की नहीं की कोई परिवर्तन नहीं आया वहाँ पर माँ इस रूपांतरण की बात करती हैं तो इस रूपांतरण के लिए हमारे पास जो रास्ते हैं जो बिंदु आते हैं वो यही हैं आस्था होनी चाहिए विश्वास होना चाहिए समर्पण होना चाहिए और इनके लिए बहुत जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो है अभीप्सा होनी चाहिए एस्पिरेशन होना चाहिए ये करने की चाह होनी चाहिए वरना तो उससे क्या कुछ भी होता रहे, हम तो बड़े संतुष्ट हैं <coughs> तो अपने शरीर को अपंग होने से बचाना है वो जो राजा था जो सेठ था जो कि बीमार पड़ गया था उसका कारण उसके शारीरिक अपंगता थी वो तो काम ही नहीं करना चाहता था और जब उसको कहा जाए अगर कि तुम अपंग हो तो यही कहेगा कि कहाँ मेरे हाथ पाँव तो सही सलामत है जो गरीब है रोता ही रहता है मैं तो निर्धन हूँ मैं तो असहाय हूँ मैं तो बेसहारा हूँ उसको पता ही नहीं कि उसको कितनी बड़ी संपत्ति दी गई है कहते हैं ना एक भिखारी ने जब भीख मांगी तो भीख देने वाले ने कहा पर तुम तो मुझे करोड़पति दिख रहे हो तुम क्यों भीख मांग रहे हो उसने कहा क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो मैं एकदम लाचार रोज़ भीख मांग के काम को गुजारता हूँ तो उसने कहा तुम तो तु बेवकूफ़ हो तुमको दिख नहीं रहा है उसने कहाँ आप क्यों ऐसे कह रहे हैं उसने कहा साबित करूँ कीजिए उसने कहा अपने दोनों हाथ दे दो मैं तुमको एक करोड़ दूंगा हाथ कैसे दे दूँ भीख कैसे मांगूँगा चलो ठीक है अपना एक पैर दे दो पचास लाख दूंगा वो भी नहीं दोनों पैर दे दोगे तो एक करोड़ इसके भी दे दूंगा आंखें दे दो और एक एक करके उसकी सभी अंगों को मांगना शुरू कर दिया उसने और हर एक की कीमत इतनी इतनी लगाई पर वो देने को तैयार नहीं हमको इतना कुछ दिया गया है पर हम उसे पहचानते नहीं तो इस अपनी अज्ञानता का रूपांतरण हम कैसे करेंगे अपने अंदर जाकर उस कोने में उस तलाई में जाएंगे उस तल में गहराई में जाएंगे जहाँ देवताओं ने इन गुप्त शक्तियों को छुपा दिया है गोता लगाना सीखना होगा और उसके लिए समर्पण आस्था विश्वास अभीपसा साहस कृतज्ञता आदि हजारों गुण हैं मदर की ये बारह गुण जो हैं वो तो है ही है मेरी आधारशिला हम तो उसी को पकड़ लें और इस जीवन में चलने के लिए वो बारह शब्द ही काफ़ी हो जाते हैं उस रूपांतरण को करने के लिए और माँ का सबसे जो प्रभावशाली काम है वो यही होता है कि माँ उदाहरण देती है वो खुद उदाहरण बनी हुई हैं समर्पण को अगर ले ले <coughs> श्री अरविंद को जब उन्होंने देखा और पूरी तरह से समर्पित हो गई श्री अरविंद ने कहा भौतिक रूप से भी इस प्रकार का समर्पण संभव है ये मैंने आज जाना सिर्फ कहने से नहीं होता उसको जीवन में उतारना होता है एक व्यक्ति था वो बहुत प्रभावित था किसी दार्शनिक से और उसके गुणों से उसके चरित्र से और अपने मित्र को उसके बारे में बता रहा था कि क्या व्यक्तित्व है तुमको मैं कैसे बताऊँ मेरे पास शब्द नहीं है वो इतना बड़ा चित्रकार है इतना बड़ा विचारक है इतना बड़ा चिंतक है इतना परोपकारी है लोगों के प्रति उदारता से भरा हुआ बोलता ही जा रहा था बोलता ही जा रहा था उसके लिए जितना भी लिखूं तो एक बड़ी पुस्तक बन जाएगी उसके मित्र ने कहा अच्छा तो लिखते क्यों नहीं हो हम सबको उसके बारे में जानना चाहिए लिखो कब लिख रहे हो बोलो तो उसने कहा लिख रहा हूँ कब तक पूरा हो जाएगा उसने कहा ये तो पता नहीं उसने कहा पर कुछ तो लिखा होगा मुझे दिखाओगे मेरी बड़ी इच्छा हो रही है उसने कहा कैसे दिखाऊँ तुमको तो उसने कहा कि वो कागज़ दे दो मैं पढ़ लूँगा हिंदी में लिखा है इंग्लिश में लिखा उसने कहा ना हिंदी में लिखा है ना इंग्लिश में लिखा है फिर किसी कागज़ पे भी नहीं लिखा है फिर क्या आजकल तो लोग मोबाइल पे लिखते हैं लैपटॉप पे लिखते हैं उसने कहा मैं अपने जीवन में लिख रहा हूँ इसके बाद कोई क्या जवाब देगा हम व्यक्तित्व को देखते हैं सराहते हैं उनके बारे में बातें करते हैं पर जीवन में उतारते नहीं श्री माँ का रूपांतरण योग जो है अपने जीवन में उतारने की चीज़ है उसको अपने जीवन में उतारने का अगर थोड़ा सा प्रश्न शुरू कर दें कोशिश शुरू कर दें तो अपने जितने नकारात्मक पहलू हैं हमारे मैं क्योंकि इस विषय में सारी बातें लग रही कि मैं पहले बोल चुकी हूँ लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको कि ख़त्म तो नहीं कर सकती कोशिश कर रही हूँ कि नई बातें कुछ उसमें से उद्धरण करूँ कम से कम कोटेशंस बदल दूँ कहानियाँ बदल दूँ पर बहुत ऐसा ही चल रहा है कि माँ के साथ जब अनुभव आते हैं शारीरिक मानसिक और प्राणिक तो हम प्राण को कैसे रूपांतरित करें और इसके लिए सबसे अच्छा उन्होंने बताया है इंटीग्रल एजुकेशन के चैप्टर्स अगर हम देखते हैं प्राण की शिक्षा मन की शिक्षा शरीर की शिक्षा और फिर चैत्य शिक्षा और उसके बाद आत्मा शिक्षा के जो क्रमिक चीज़ें हैं और इसीलिए इंटीग्रल एजुकेशन को माँ कहती हैं वो किसी किताब में नहीं पढ़ी जा सकती किसी विद्यालय में सीमित नहीं हो सकती वो तो जीवन भर चलने वाले बल्कि जीवन के पहले से चलने वाले द्विविध पद्धति उसको कहा उन्होंने त्रिविध पद्धति बल्कि कहा एक माँ जब गर्भ धारण करे उस समय से या उसके पूर्व से उसकी तैयारी से लेकर बच्चे को जन्म देने के बाद तक और फिर बच्चे के साथ उसके पालन पोषण में और बच्चा फिर उसको आगे अपने जीवन पर्यंत चलाए अपने मन प्राण और शरीर को हर समय जागरूकता के साथ सतर्कता के साथ देखते रहना कैसे जब मन कमज़ोर होता है जब प्राण कमज़ोर होता है हमें क्या पता चलता है हमें पता चले तो हम उसको तुरंत चेक कर लें तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एकाग्रता की ध्यान की आवश्यकता रूपांतरण योग पथ में आपको ध्यान का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है ध्यान करने से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है या एकाग्रता का अभ्यास करने से हमारे अंदर ध्यान होने करने की क्षमता बढ़ती है और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना पर असर पड़ता है जहाँ माँ ने कहा सतप्रेम को कि मैं तुम्हें वो अनुभव कैसे बताऊँ शब्दों से संभव नहीं तुम उसे मन से समझने की कोशिश कर रहे हो वो भी संभव नहीं उसके लिए तुम्हें चेतना उस चेतना में जाना होगा तो समर्पण आस्था और विश्वास के साथ साथ एक चीज आ जाती है चेतना का उत्कर्ष हम किस चेतना में रह रहे हैं हमारे जीवन की हमारी भावनाओं की हमारे विचारों की हर पद्धति में हमारी चेतना को कौन सा स्तर है हम प्रेम कर रहे हैं सुंदर सा फूल देख के हम उससे आकर्षित हो जा रहे हैं लपक कर जाते हैं उसे छूते हैं तोड़ लेते हैं हमें बड़ी खुशी मिलती है इतना सुंदर फूल हमारे पास आ गया एक दूसरे स्तर पे हम उसी फूल को देखते हैं आकर्षित होते हैं सराहते हैं उसे छूते हैं प्रसन्न होते हैं और फिर उसका ध्यान रखने लगते हैं आकर्षण से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं उसके प्रति केयरिंग भाव आ गया है उसका ध्यान रख रहे हैं ये ध्यान हमारे प्यार को गहरा करता है पाने की इच्छा से उसे कुछ देने की उसे सुरक्षा देने की इच्छा हमारे अंदर शुरू हो जाती है उसका फल ये होता है कि हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता है और जब हम उसके अंदर केयरिंग वाला एटीट्यूड ले आते हैं मनोवृत्ति बदल देते हैं तो ये किसका गुण है कौन है जो हमारी रक्षा करता है कौन है जो हमारी केयर करता है सामने से हमारे माता पिता फिर माता पिता जिस स्तर के हैं उससे अगर देखें तो आगे बढ़ते हैं जो सबका माँ सबकी माँ है सबके पिता है ईश्वरी चेतना की तरफ हम बढ़ने लगते हैं ये रूपांतरण होता है हमारी एक सामान्य प्राणिक भाव का जो जिसे हम प्रेम कहते हैं जब विचार इस चिंतन के स्तर पर आने लगता है तो हमारा मन हमारे मानसिक रूपांतरण की गतिविधि शुरू हो जाती है फिर हम सामान्य वैचारिकता में नहीं जाते हैं फिर हम लोगों की बुराई को देखने की बजाय उनसे प्रतिशोध लेने की बजाय उनसे प्रतिस्पर्धा करने की बजाय हम उनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकने वाले तत्व आते हैं विचार आते हैं उनसे हम थोड़ा सा अलग होने लगते हैं अनासक्त होने लगते हैं चीज़ें लेते जाते हैं लेकिन उनसे आसक्ति के भाव से बचने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि दृष्टि उससे बेहतर चीज़ों की है गिद्ध की दृष्टि नहीं है कि हम ऊंचे उड़ते जा रहे हैं लेकिन नज़र नीचे मांस के लोथड़े पर है मरे हुए चूहे पर है हम ऊंचे उठ रहे हैं तो हमारी दृष्टि भी ऊंची हो रही है ऊंचाई का कोई अंत नहीं अच्छाई का कोई अंत नहीं बेहतरी का कोई अंत नहीं विकास का कोई अंत नहीं जब मन को यहाँ समझा लिया जाता है ये बात जान ली जाती है तो मन रूपांतरित होने लगता है तब हम आगे बढ़ते हैं जो पीछे हमने पाया था उसको छोड़ने में हमें दुख नहीं होता क्योंकि हम अगली सीढ़ी पर कदम बढ़ा रहे हैं जब सावधान है सतर्क हैं जागरूक हैं सचेत हैं तब पिछली सीढ़ी को छोड़ने में दुख नहीं होगा मालूम है अगली सीढ़ी है लेकिन अगली सीढ़ी तो चाहिए लेकिन पिछली सीढ़ी का मोह भी नहीं छूट रहा है तुम भी आ जाओ और तुम भी हो जाओ दोनों तो नहीं होता आगे बढ़ने के लिए पीछे का कदम उठाना पड़ता है जब मानसिकता इस स्तर पर आने लगती है तो मन रूपांतरित होने लगता है और मन और प्राण अगर रूपांतरण की तरफ बढ़ जाए तो शरीर की चेतना अपने आप बदलने लगती है तब बात आती है जो माँ करके गई हैं कि उन्होंने शारीरिक चेतना को एक नए शरीर का निर्माण किया है हमारा इतना संवेदनशील शरीर इसे ठंड लगती है इससे गर्मी लगती है ज़रा सी चिंगारी लग जाए तो हाथ जल जाए तो उंगली जल जाए तो हम इतना कष्ट महसूस करते हैं लेकिन वही हथेली हमारे जवानों ने कैसे प्रतिज्ञा की थी देश को स्वतंत्र कराने की कि जलते दीपक के सामने हथेली रखती थी वो कौन सी चीज थी जिन्होंने उस जलन को सहने की शक्ति उनमें दे दी थी बल्कि हाथ को उस आग के ऊपर रख दिया था खुद ले जाकर कोई तो बड़ी भावना थी ये प्राणिक स्तर तरह की चीज़ थी जिसने प्रभावित किया था उसके शारीरिक सेंस को हाथ जला तो होगा ही क्योंकि सामान्य भौतिक शरीर है लेकिन उसने कमजोर नहीं किया इस तरह से अपने मन और प्राण को सचेतन करके शिक्षित करके चैत्य के अनुशासन में ला कर अगर हम अपने शरीर पर काम करते हैं तो ये शरीर रूपांतरित होता है कैसे आस्था को बढ़ाएं कैसे आत्मसमर्पण को पूर्ण करें समग्र रूप से मन प्राण शरीर तीनों समर्पित हो जाएं चैत्य को और उसके द्वारा पहुंच जाएं ईश्वर तक ईश्वरी सत्ता को समर्पित हो जाए ये सब कैसे लाए प्रार्थना कैसे करें इन सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं मैंने सोचा था कि किसी एक को लेके कर बोलूँगी तो रहेगा नहीं क्योंकि बात है रूपांतरण की और रूपांतरण पूर्णता का तो उस प्रार्थना को समग्र रूप से करने के लिए क्या चाहिए एक सहजता चाहिए एक सरलता चाहिए एकत्रीकरण एक चाहिए मन प्राण शरीर का बच्चों की तरह से सरल हो जाए प्रार्थना करते समय बच्चे की तरह से विश्वास रख ले कि प्रार्थना हुई बारिश होने के लिए सब पहुंचे लेकिन छाता लेकर केवल एक बच्चा गया था क्योंकि <coughs> वहाँ तर्क नहीं था वहाँ आशंका नहीं थी वहाँ विश्वास था कि बड़े कह रहे हैं प्रार्थना करेंगे और बारिश होगी अब बारिश होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि वे लौटेंगे कैसे तो छाता ले लिया बड़ों ने तो सोचा नहीं क्योंकि हमारा मन जो है तर्कों पे चलता है लेकिन हर जगह उसकी चिंतन करने की क्षमता सीमित हो जाती है भाव में बह गए सब प्रार्थना करेंगे वहाँ मन नहीं था शरीर था प्राण था बच्चे का सर्वस्व था आदिवासियों ने प्रार्थना की भगवान पानी पे हम दौड़ लेंगे ये सब कहानियां मैं सुना चुकी हूं इसलिए खाली संकेत कर रही हूं पानी पे दौड़ लेंगे हम तो दौड़ लेंगे संभाल तुम लेना डाल दिया दायित्व भगवान पे संभालो अपनी इज्जत उन्हें मंत्र देने वाला प्रार्थना सिखाने वाला पादरी दंग रह गया क्योंकि वो बकायदा सिखा क्या था ऐसे थोड़ी प्रार्थना होती है ऐसे करो ऐसे करो उसने सौ तरीके पूरी विधि समझाई थी और ये बेचारे सीधे साधे आदिवासी भूल गए पादरी जी जहाज़ में आ गए जहाज़ चल पड़ा और ये पानी पे दौड़ पड़े पीछे रुको 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 उन्होंने कहा ठीक है क्या हुआ हम तो भूल गया एक बार फिर से बता दीजिए ना प्रार्थना कैसे करते हैं कितने सरल थे उनके ज्ञान को स्वीकार कर लिया था उन्होंने कहा वो तो मैं बता दूंगा पर ये बताओ इस पानी पे कैसे दौड़ रहे हो तुम लोग कहते अरे वो तो हमने ऐसे ही भगवान से काम दौड़ लेंगे आप संभाल लेना पादरी ने कहा तुम्हें क्या सिखाऊं ये जो आस्था और विश्वास की गहराई है जहाँ पे शंका नामो निशान है ही नहीं कहीं कोई तर्क नहीं है कि पानी पे पैर रखेंगे तो अंदर चले जाएंगे वो हमें वो हल्का पन दे देता है जहां अहंकार का भारीपन नहीं होता तो एक और बड़ा शब्द आ जाता है अहंकार रूपांतरण के पथ पर जाना है तो इस अहंकार से बचना है जितना भारी है उतना ही सूक्ष्म भी है यह पता भी नहीं चलता दिखाई भी नहीं देता एहसास भी नहीं होने देता और हमारे अंदर घुस जाता है पूरी तरह से माँ की भक्ति करती हूँ मैं कितनी अच्छी बात कही ना बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ सच में आप कितनी अच्छी हैं पर मैं इस पर तो ध्यान ही नहीं गया हो कौन तुम तुम भक्ति करती हो माँ को स्वीकार कर लिया बस अब तुम ही हो है अपने आप में भक्ति बहुत बड़ी चीज़ कहते हैं ना जब भक्ति आ जाती है तो हर चीज़ का रूप बदल जाता है भोजन प्रसाद बन जाता है संगीत भजन बन जाता है क्रिया कर्म बन जाती है और पूरा जीवन प्रार्थना बन जाता है अपने जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो बदल दें तो सबसे बड़ा रूपांतरण जो हमको करना चाहिए वो अपनी मनोवृत्ति का अपनी दृष्टि का अपने व्यवहार का अपने लक्ष्य का चुनाव कर लेना चाहिए हर समय प्रार्थना हर समय प्रयास हर समय समर्पण और ये तीनों चीज़ें पूरी आस्था और विश्वास के साथ होगा क्योंकि हम तो कर नहीं रहे। एक बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा इस पर, जब करने का भाव होने में बदल जाता है करते समय खतरा है कि हम कर रहे हैं अपने मैं का उसमें आभास होता है मुझे ये करना है मैं ये कर रही हूँ मैं ये करूँगी अच्छा मैं करूँ हो रहा है किसी के द्वारा मुझसे कराया जा रहा है कोई मुझसे करवा रहा है बात ही बदल जाती है सबसे बड़ी तो एक जिम्मेदारी ख़त्म बिल्ली का बच्चा या बंदर का बच्चा दोनों में चाहिए वो जागरूकता चाहिए बंदर के बच्चे में कि पकड़ ढीली ना हो और पकड़ कहाँ पे रहेगी जहाँ विश्वास होगा विश्वास ही नहीं है तो उस डाल को पकड़ के क्या करेंगे बिल्ली के बच्चे वाली आस्था होनी चाहिए तो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं आस्था पे इसलिए मैं बिल्ली का बच्चा बनना ज़्यादा पसंद करती हूँ पर उसके लिए बहुत सतर्क होना है विश्वास को इतना गहरा इतना पक्का इतना मजबूत इतना अटल बना लेना है तब हम रूपांतरण की तरफ जा सकते हैं क्योंकि रूपांतरण हमारे और आपके बस का नहीं है माँ के ही बस का है उन्हीं से हम प्रार्थना करें हमारे मन को रूपांतरित कर दें हमारे तन को रूपांतरित कर दें हमारे प्राण को रूपांतरित कर लें यानी हमको संपूर्ण रूप से समग्र रूप से अपनी गोद में ले लें आज से अपनी हर क्रिया के प्रति ये दृष्टि डालें हर कठिनाई के प्रति ये दृष्टि डालें कि कठिनाई जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाए अवसर बन जाए ईश्वर की कृपा बन जाए माँ के उस कथन को याद रखें कृपा किसी भी रूप में आ सकती है मार के रूप में प्यार के रूप में कष्ट के रूप में पीड़ा के रूप में दुर्घटना के रूप में यहाँ तक कि मौत के रूप में लेकिन मानना होगा कि जो है वो कृपा है लेकिन उसके अंदर विरोधी शक्तियों के आक्रमण से बचाना होगा कि कहीं वो तमस तो नहीं है जो हमें सब कुछ मानने के लिए आगे बढ़ा रहा है कहीं हमारे अंदर आलस्य तो नहीं है कहीं हमारे अंदर मजबूरी का भाव तो नहीं है क्योंकि एकत्व के साथ सर्वांगीण रूप से जब हम करते हैं समर्पण तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं जहाँ तीनों एकत्रित होते हैं वो ऐसे नहीं हो पाते बिना कृपा के नहीं हो पाते तीनों का एकत्रीकरण सही रास्ते पर जाना केवल और केवल चैत्य के मार्गदर्शन से होता है तो प्रतिदिन अपने चैत्य को देखने का प्रयास करना शायद एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है क्योंकि उसके गाइडेंस को सुन पाने की क्षमता हमारे अंदर बढ़े तब आने वाली परिस्थितियाँ घटने वाली घटनाएँ हमें एक अलग रूप में दिखाई देने लगती हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हो रहा है वो एक जगह से हो रहा है मेन सोर्स मेन स्विच मेन कनेक्शन वहाँ पे समर्पण हमें रखना होगा प्रार्थना करनी होगी अपने मनोवृत्ति को रूपांतरित करने का अपनी प्राणिक चेतना को ऊंचा करने का अपनी शारीरिक क्षमता को समर्पित करने का उस शक्ति को आज यही समाप्त करती हूँ नमस्ते